दूसरा ये है कि जो निकात बाकी तराबी साहब ने यहाँ बयान किए, इनके कंसर्न थे, वो हमारे वफाकी बुजुर्ग ग्राम ने भी एड्रेस कर लिए, वो मैंने भी इनके साथ उस पर एग्री किया, हमारे कुछ मुलाकातें हुई तो हमने भी इनके साथ एग्री किया। और उसमें ये है कि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बनाने वाले अदारे हैं उनकी भी ब्लेसिंग है हमारे डिसीजन में, चूंकि बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ये भी बताता चलूं कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बनाने वाले अदारे हैं उनकी भी ब्लेसिंग है हमारे डिसीजन में, चूंकि बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ये भी बताता चलूं कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बनाने वाले अदारे हैं उनकी भी ब्लेसिंग है हमारे डिसीजन में, चूंकि बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं। कि तराबी साहब जो है वो गवर्नमेंट के साथ रहे, तो उसमें ये हम ये समझते हैं कि जिस तरह हमने बाकी मजहबी जमातों के साथ इत्तेहाद किए, अब तक तो 5-6 जमातों के साथ, कुछ बड़ी दरगाहों के साथ, कुछ बड़े दीनी मदारिस जो है उनके साथ, लेकिन तराबी साहब का हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा बनना और हमारे साथ खड़े होना, इसको भी हम आने वाली गवर्नमेंट के लिए खुशबख्ती समझते हैं।